हेलो, कंटिन्यू करते हैं ना अपना बुद्धिज्म से। जैनिज्म तक हमारे कंप्लीट हो चुका है, हम नए रिलीजन की बात करते हैं। बुद्धिज्म बुद्धिज्म कैटर्ड टू रिलीजियस स्ट्राइविंग ऑफ द टाइम। इट वाज अ मिडवे बिटवीन हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म प्रेजेंटेड द एसेटिक ट्रेडिशंस टू इंडियन सोसाइटी। इट हैड मोर फॉलोअर्स अब्रॉड देन इन इंडिया। Buddhism is one of the imprints that India has left on the other civilizations. The background and causes for the rise of Jainism and Buddhism have already been presented earlier in this chapter. क्या कह रहा है? Buddhism catered to religious striving of the time. Catered मतलब catering करना, service को देना, basically service बोल सकते हो, ठीक है, help करना। Striving मतलब efforts, striving means efforts। अगर आप बुद्धिज्म में रिलीजियस मैथड मैटर्स में काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं, रिलीजियस इंप्रूवमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं। इट वॉज अ मिड वे बिटवीन हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म और हिंदुइज्म के बीच का ये रास्ता था एक उस टाइम पर। उस टाइम पर आप हिंदुइज्म को चूज करो या जैनिज्म को, तीसरा कुछ था ही नहीं। जिस जगह की बात करिए, इस्लाम वगैरह कोई बीच में चलना, ठीक है, तो थर्ड आया यहाँ पर बुद्धिज्म। तो एक मिड में एक बीच का रास्ता निकला। बुद्धिज्म प्रेजेंटेड द एसेटिक बुद्धिज्म प्रेजेंटेड द एसेटिक ट्रेडिशंस टू इंडियन सोसाइटी। बुद्धिज्म ने एक अलग ही ट्रेडिशन बनाया इंडियन सोसाइटी में। साधुओं का जो मतलब सिस्टम चला रहा है वो इन्हें प्रेजेंट किया, एक अलग ही, एक डिफरेंट ही। सर क्या डिफरेंट था वो बताया नहीं यहाँ पे। इट हैड मोर फॉलोअर्स एब्रॉड देन इन इंडिया। इनके जो फॉलोअर्स थे वो एब्रॉड में ज़्यादा थे, इंडिया में एज कम्पेयर कम थे। बुद्धिज्म इज वन ऑफ द इम्प्रिंट्स दैट इंडिया हैज लेफ्ट ऑन द अदर सिविलाइजेशन। इम्प्रिंट्स मतलब निशानी, सिंबल, पहचान, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? तो उन्होंने कहा बुद्धिज्म जो है ना, बुद्धिज्म बुद्धिज्म उन सिंबलों में से, निशानी में से एक है जो इंडिया ने छोड़ा है किसी और दूसरे सिविलाइजेशन पर। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। द बैकग्राउंड एंड द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैव ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड अर्लियर इन दिस चैप्टर। वो कहने का जो बैकग्राउंड है और जो कॉजेस हैं इनके राइज के, जैनिज्म के, बुद्धिज्म के, वो ऑलरेडी चैप्टर पीछे बता दिए गए हैं, हम उनको नहीं बताएंगे, ठीक है। मैं बताओ आगे पढ़ते हैं गौतम बुद्ध की हिस्ट्री के बारे में, इम्पोर्टेंट है। ओहो कहाँ गए? यहाँ से एमसीक्यू बहुत बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी वन वर्ड एमसीक्यू है। 2 सेकंड होते, सो क्लोज करके स्टार्ट करने दो, अदरवाइज प्रॉब्लम देगा ये। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। चलो एक बार मैं आपको हिंदी थोड़ी सुना दूँ, आपको नहीं पता है यहाँ से, तो मैं बाद में पढ़ूंगा, है ना। गौतम बुद्ध के बारे में शायद आपने स्टोरी पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता। अगर हो सके ना ट्राई करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इनकी कोई मूवी सर्च करना यूट्यूब पर, स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध, है ना, या प्रिंस प्रिंस गौतम, प्रिंस सिद्धार्थ, बिल्कुल प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से आप इनकी स्टोरी सर्च करना। एक बहुत अच्छे एनिमेटेड, मतलब आपको अच्छे, मतलब बहुत मूवी अच्छी मूवी लगेगी, पता चलेगा इनकी स्टोरी करनी बहुत ईजी भी है ना। होमवर्क में ऐड करो उसको, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू देखो, ज़रा समझो टॉपिक्स को, क्योंकि इन चैप्टर के ऊपर वीडियोज बनी हुई हैं, तो अच्छी बात है, वो देख के समझ में आना चाहिए, तो आप एक इनकी स्टोरी देखोगे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बस सुना देता हूँ थोड़ी सी, जहाँ तक मेरे को याद है। एक बार की बात है, ये इनका जो गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जो ना, इनका बाद में पढ़ा, इनका जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ,
ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ, प्रिंस नाम नहीं था, प्रिंस इनकी पोजीशन थी, इनके फादर कपिल वस्तु के किंग थे। कपिल वस्तु एक जगह है, उस जगह के राजा इनके फादर थे, तो राजा का बेटा तो प्रिंस होते ही होता है, किंग का बेटा है ना, तो ये प्रिंस थे, एक विशेष कैसे प्रिंस थे। तो सोचो एक प्रिंस, कभी कभी आपको सोचना है, प्रिंस जैसा इंसान जो प्रिंस था, इतनी लग्जरियस लाइफ होती है, वो बाद में सन्यासी बन गए, एकदम उन्होंने वर्ल्डली प्लेजर्स को सब कुछ छोड़ दिया, ये कैसे मतलब हो जाता है ना। तो इन्होंने भी ऐसा किया। एक बार की बात है, अपने स्कूल से, अपने गुरुकुल से बेसिकली बोलूँ तो, मैं गुरुकुल से वापस आए थे अपने रथ में बैठ कर, ठीक है, अपने रथ में बैठ कर, अपने चैरियट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, रथ को, तो अपने चैरियट में बैठ कर अपने गुरुकुल से वापस आ रहे थे, ठीक है। तो जब रास्ते में वापस आए थे ना, वो दिन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिस दिन वो वापस आए थे, वो दिन उनकी लाइफ का बहुत एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या हुआ, बेसिकली अपने पहले से भी बाहर निकलते ही नहीं थे ये। दो सेकंड रुकना ज़्यादा। अभी बंद हो जाएगा ये साउंड, तो आप फोकस करना मेरी तरफ। तो एक्चुअली ये ना कभी पहले से बाहर निकली नहीं थी उससे पहले। दो इंसिडेंट्स मैं आपको सुनाने आ रहा हूँ, उससे पहले वो कभी अपने पहले से बाहर निकले नहीं थे। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन ही वेंट आउट, है ना, इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन ही वेंट आउट। तो वो अपने चैरियट से जब जा रहे थे और फिर लौट के वापस आ रहे थे, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये कभी पहले से बाहर निकले नहीं थे, है ना। तो पहले से बाहर निकले नहीं थे, इसका मतलब क्या है, पहले से बाहर निकलने का मतलब क्या, इन्होंने कभी अपने महल के बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। इन्होंने जो दुनिया देखी थी, एक रॉयल लाइफ देखते, रॉयल लाइफ, एक नॉर्मल इंसान कैसे अपनी लाइफ में जीता है इनको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि अभी अपने महल से बाहर निकले, अपने की पैलेस के अंदर रहते थे, अपने महल के अंदर रहते थे, सारे ऐशो आराम से रहते थे, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, कोई चीज़ जरूरत है तो एक बार बोलो, फिर आंखों के सामने आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कोई बीमारी होती तो बड़े बड़े वैद्य आ जाते थे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी उन्हें किसी भी तरीके की, है ना, खाने पीने किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं थी, प्रिंस थे आखिर। तो एक बार क्या था, फर्स्ट टाइम जब ये बाहर निकले, तो उन्होंने रास्ते में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। पहले उन्होंने देखा, अब मेरे को सीरियल वाइज तो याद नहीं है, पर क्या क्या देखा वो मेरे को थोड़े बहुत याद है। एक इन्होंने देखा कि एक दो इंसिडेंट्स मेरे को याद है, ये आ रहे थे, तो उन्होंने देखा रास्ते में कि बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, क्या लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है वहाँ पर, ये देखते हैं वो अपना रथ रोक, मतलब रथ की स्पीड थोड़ी, वो बोलते हैं मेरे रथ वाले से, थोड़ा रथ धीरे करो, ठीक है, वो पहली बार ये देख रहे होते हैं ना, वो क्या, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, रो क्यों रहे हैं, और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और वो देखते हैं कि लोग तो रो रहे हैं। उन्होंने देखा उनकी तरफ और रथ वाले से पूछा कि ये रो क्यों रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं। रथ वाले ने बताया कि इनके घर में इनका जो बेटा है वो खत्म हो गया है, उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, तो ये शोक सभा है, इसलिए यहाँ पर आकर सब लोग रो रहे हैं। इनने पूछा, तो रथ वाले ने बोला, बेसिकली जो रथ वाले का जो वर्षा होता है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको पता नहीं था मृत्यु और डेथ का मीनिंग क्या होता है, इनको ये नहीं पता था, हाँ इनको ये नहीं पता था डेथ और मृत्यु का मीनिंग क्या होता है। तब उन्होंने उनको मृत्यु का मीनिंग समझाया, उस रथ वाले ने जो रथ चला रहा था उनका, ठीक है, सारथी इसको बोलते हैं बेसिकली, यहाँ सारथी, तो सारथी ने इनको बताया कि मृत्यु का मीनिंग क्या होता है, तो उनको मृत्यु का मीनिंग पहली बार लाइफ में पता चला, ठीक है, तो उनको पता लगा कि मृत्यु में तो हमारा जो प्रिय इंसान होता है, जो हमारा डियर वन होता है, वो हमें छोड़कर चला जाता है, वो हमें छोड़कर चला जाता है, ये तो काफ़ी पेनफुल है, ये तो काफ़ी पेनफुल है, ऐसा क्यों होता है दुनिया में, ऐसा कोई क्यों हमें छोड़कर चला जाता है। उन्होंने आज तक कभी किसी को डेथ होते तो देखा ही नहीं था उन्होंने अपने पैलेस के अंदर, पहले उन्होंने सुना। फिर ये आगे गए, ठीक है, फिर ये आगे, फिर उन्होंने आगे को ओल्ड इंसान को देखा, ओल्ड इंसान को देखा, वो इंसान बहुत परेशान था, वो इंसान बहुत,
था। उस पर्सन सर को देखकर वो सारथी से पूछते हैं, ये इतना परेशान क्यों, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो उन्होंने बताया तो सारथी बताते हैं कि काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके गरीब वर्ड ही नहीं सुना था, गरीब वर्ड होता क्या है, गरीब वर्ड होता ही क्या है। तो उन्होंने कहा गरीब का मतलब समझाया कि इनके पैसे नहीं है, इनको जो चीज़ें चाहिए इनको उन चीज़ों के लिए भी इनके पैसे नहीं है कि वो उन चीज़ अपनी चाहतों को पूरा कर सके, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इस तरह के उन्होंने तीन चार इंसिडेंट देखे, उस तरह के उन्होंने क्या देखे, तीन चार इंसिडेंट देखे। ठीक है, तीन चार, मेरे को भी दो ही याद है, पता नहीं है ना, और मेरे को ध्यान नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने ये अपने 8-10 साल पहले पढ़ा था, ये भी मैंने भी जब मैं अपने 8th क्लास में था, 8th क्लास में तब पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो उस दिन जब ये घर पे वापस गए, उन्होंने बहुत सोचा, उन्होंने तीन चार इवेंट्स के बारे में बहुत सोचा, और सोचा मेरी लाइफ में और उनकी लाइफ में बहुत डिफरेंट है, बहुत तो डिफरेंस है, ऐसा क्यों? बहुत सोचा और सोचते सोचते इस खोज में निकल पड़े, ये रात को ही घर छोड़कर निकल पड़े। ठीक है, रात में क्या करके चले गए, घर छोड़कर भी निकल गए, क्यों? इस खोज में, इस डिस्कवरी में, इस चीज को ढूंढने में कि ऐसा क्यों, हम इंसान तो एक ही हैं, तो हम सभी की लाइफ इतनी अलग अलग क्यों? और ये जो तो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उन लाइफ के बारे में बहुत चीज इनको नहीं पता था, इनको मृत्यु का मीनिंग नहीं पता था, इनको डेथ का मीनिंग नहीं पता था। ठीक है, तो उनको काफी पता नहीं थी, ये चीज समझने के लिए क्या निकल गया, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। तो अब ऑब्वियस सी बात, अब ये पैलेस को छोड़ कर निकल चुके हैं। ठीक है, अब रॉयल लाइफ तो इनकी चली गई, अब उन्होंने एक नॉर्मल इंसान का जीना स्टार्ट किया, एक भिक्षुक बनकर देखे है ना चीजों को, तो उन्होंने चीजों को समझा, लाइफ को जाना, और ये जानते जानते वो काफी टाइम हो गया, ये जानते जानते वो क्या हो गया, काफी टाइम हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब पेड़ के नीचे बैठ कर, पेड़ के नीचे बैठ कर ये ज्ञान ले रहे थे ना, पेड़ के नीचे बैठ कर बेसिकली मैं बोलूँ ज्ञान भी नहीं, वो तपस्या कर रहे थे। ठीक है, और उस दिन मतलब ऐसा माना जाता है कि उस दिन उनको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। परम ज्ञान मतलब क्या, एक एटर्नल नॉलेज बोल सकते हो, मतलब जो लाइफ की रियल नॉलेज होती है, रियल जो एसेंस होता है, जो एक इंसान को पता होना चाहिए, अगर वो नॉलेज आपको पता चल गई तो आप भगवान बन जाओगे। भगवान बन जाने का मतलब क्या, आपके सुपरनेचुरल पावर आ जाएगी। भगवान बनने से मतलब है कि आप जो थिंकिंग है वो उस लेवल पर पहुंच जाएगी जो भगवान की होती है। ठीक है, तो आपको भगवान माना जाने लगता है, तो उनको उस लेवल की नॉलेज उनको प्राप्त, नॉलेज उन्होंने गेन कर ली। उस दिन के बाद से इन्होंने कभी अपने रॉयल पैलेस को वापस नहीं देखा मुड़कर, और लोगों की भलाई में लग गए, लोगों को नॉलेज इम्पार्ट करते थे, लोगों को नॉलेज देते थे ताकि उनका अच्छा हो, और लोग इनको धीरे धीरे क्या समझने लगे, भगवान समझने लगे। भगवान समझने का रीजन भी ये कि एक बार की बात है, ये अपने कुछ स्टूडेंट के साथ, कुछ स्टूडेंट्स को मतलब लेक्चर दे रहे थे, ठीक है ना, स्पीच दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे बेसिकली। तो उस दिन क्या हुआ, एक पत्थर था, पत्थर ऊपर से गिरने वाला था, पत्थर ऊपर से गिरने वाला था, इनके ऊपर बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा पत्थर था, वो गिरने वाला था, पर ये उससे बिल्कुल डरे नहीं, ये उससे बिल्कुल डरे नहीं, पर उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पत्थर इनके ऊपर से हट गया, ऐसा सुन पढ़ा था मैंने, हो सकता थोड़ी स्टोरी में चेंज हो गई, पर हाँ कुछ ऐसे ही था। उस दिन के बाद जब लोगों ने ये मैजिक देखा, तब से लोग इनको भगवान बोलने लगे, तब से लोग इनको भगवान बोलने लगे। तो इनकी कुछ स्टोरी है, और तब से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके फाउंडर ये थे, ये बिलोंग टू क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय थे, तो हमने स्टार्टिंग पढ़ लेता क्षत्रिय त्रिनाथ शाक्य। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन लीजेंड ही वॉज बॉर्न इन 563 बीसेट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था, इन नेपाल, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है। ये चाइल्डहुड नेम वॉज क्या था, वस्तु का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इस फादर वॉज सुदोधन, जो कि कपिलवस्तु के दादा थे, उनका नाम क्या था, थे सुदोधन थे, वॉज द कप है ना, वॉज द रूलर ऑफ कपिलवस्तु, जो कि कपिलवस्तु के क्या थे, दादा थे। लाइक महावीरा, महावीरा की तरह ही वॉज इंक्लाइंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से ही
झुके हुए थे, किसका झुके हुए थे, इंक्लाइंड होता है झुका होना, किसका झुके हुए थे, टुवर्ड्स स्पिरिचुअल परस्पेक्ट। अब बताया नहीं क्यों, उन्होंने क्यों नहीं बोला, उन्होंने बस बस बोल दिया कि बचपन से ही वो क्या थे, स्पिरिचुअलिज्म के पीछे पड़े हुए थे ना, उनके स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट था बचपन से ही। ऑल द रॉयल लग्जरीज इन विच गौतम लिव्ड एट माई इफेक्ट ऑन एम, वो जितनी भी रॉयल लग्जरीज को उसमें रहते थे उसका उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इंसान बिगड़ जाता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी आदत नहीं बिगड़ी थी। ही वॉज मैरिड एट अ यंग एज, इनकी बचपन में शादी हो गई थी टू अ प्रिंसेस कॉल्ड यशोधरा, यशोधरा से इनकी शादी हो गई थी, और उनका एक बेटा भी था, उनका नाम क्या था, राहुल। ठीक है, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे स्टोरी भी दी हुई है। द ग्रेट रेनसिएशन, द ग्रेट रेनसिएशन, सबसे बड़ा संन्यास, सबसे महान त्याग है ना। वंस गौतम चैरियोटियर वॉज ड्राइविंग हिम थ्रू द टाउन, एक बार का जब उनका सारथी, सारथी बोलते चैरियोटियर है ना, और चैरियट से हो केवल यहाँ तक तो बन जाएगा रथ है ना, तो एक बार कहता है उनका सारथी उन्हें टाउन में घुमा रहा था। द अपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ एन ओल्ड मैन बेंट विद एज मूव्ड गौतमा, मूव्ड गौतमा यानी कि गौतम की नज़र, गौतम की नज़र किस पर पड़ी, एक ओल्ड मैन की तरफ पड़ी जो कि झुके हुए थे है ना, विद एज, विद एज मतलब क्या, एज की वजह से, एक एज के इंसान का शरीर झुक जाता है, हाइट कम होती जाती है, तो मुझे अगेन यानी एक तो ये साइड था ओल्ड मैन वाला, अगेन अ साइड ऑफ सिक मैन, एक बीमार इंसान भी देखा ठीक है, जो कि चिल्ला रहा था दर्द में, जो कि दर्द में चिल्ला रहा था ठीक है, जो कि चिल्ला रहा था पैथेटिक ग्रोनिंग, और उसका ग्रोनिंग का तो लिख ही लो आप, चिल्लाने ही लिख लो, दर्द से सफर कर रहा था। लिख ले सफर करना, पैथेटिक आप हो, पैथेटिक आप कैसे रख सकते हो, होपलेस लिख लो, होपलेस, उसको कोई उम्मीद ही नहीं थी कोई आके उसकी हेल्प भी करेगा। ठीक है, फिर एक उन्होंने कहा देखिए डेड बॉडी देखी, मीनिंग ही नहीं पता था उससे। हाँ बेसिकली कुछ लोगों को रोते नहीं देखता, कुछ लोग ले जाते हैं, आपको पता है ना लोग कैरी करके ले जाते हैं शमशान घाट की तरफ, क्रीमेशन बोलते हैं, क्रीमेटरी भी बोलते हैं वहाँ पर। द डेड बॉडी ऑफ अ मैन, एक उन्होंने डेड बॉडी भी देखी, मैन की बींग कैरिड फॉर क्रीमेशन मेड गौतम थिंक अबाउट मैन डेस्टिनी, इससे वो इंसान किस्मत के आदमी सोचने लगे सारी चीज़ों को देखकर। तीन इवेंट थे, ही वॉज कंसोल्ड वेन ही सॉ एन एसेटिक इन सर्च ऑफ सॉल्यूशन, ही वॉज कंसोल्ड वेन ही सॉ एन एसेटिक इन सर्च ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर के तीन लोग उन्होंने देखे, उनको देखा तो वो मतलब थोड़े परेशान से हो गए, वो इंसान की किस्मत के बारे में सोचने लगे, फिर बाद में उन्होंने क्या, लेकिन बाद में थोड़ी सांत्वना मिली, कंसोल मतलब सांत्वना मिली, थोड़ा कंफर्ट मिला उनको, बाद में थोड़ा कंफर्ट मिला, कब कंफर्ट मिला, वेन ही सॉ एन एसेटिक, जब उन्होंने एक साधु देखा जो कि इन सर्च ऑफ सॉल्वेशन, जो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ था। अब आपके क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग, उसका मैं आंसर आपको बाद में दूंगा ठीक है, कल दूंगा अभी नहीं है ना। दीज साइड्स आर नोन एज द फोर ग्रेट साइड्स, ये जो चार साइड्स थी ना इनको हम बोलते हैं द फोर ग्रेट साइड्स, आपको याद होनी चाहिए ये ठीक है। गौतम लेफ्ट होम हिज वाइफ एंड चाइल्ड इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन, उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी वाइफ छोड़ी, अपना बेटा भी छोड़ा, किस लिए, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, उन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन के लिए ठीक है। दिस इवेंट इज नोन एज महाभिस क्रमण, महाभिस क्रमण, महाभिस क्रमण है ना, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बोले द ग्रेट रेनन्सिएशन। सर कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट, ये घर से बाहर बाहर जाने का, घर छोड़ने का, किस लिए, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, इस इवेंट को क्या नाम दिया गया, महाभिस, महाभिस क्रमण या फिर द ग्रेट रेनन्सिएशन। ठीक है, एनलाइटमेंट क्या होता है, एनलाइटमेंट जो मैंने आपको बोलता ना परम ज्ञान, जिस नॉलेज की बात कर रहा था उसी नॉलेज को बोलते हैं इंग्लिश में एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट है ना, दिमाग की लाइट जल जाती है। आफ्टर लिविंग होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ गौतम वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह घूमे, फॉर सम टाइम ही स्टडीड अंडर ग्राउंड टीचर्स ऑफ राजगृह, वो कुछ राजगृह के फेमस टीचरों के साथ, टीचरों के से पढ़े, एंड देन वेंट टू गया,
गए एक जगह है और फिर गया चले गए। ही प्रैक्टिस्ड सीवियर पेनेंस एंड लेड अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी। उन्होंने काफ़ी तपस्या की, सीवियर मतलब काफ़ी तपस्या की उन्होंने, और काफ़ी सिंपल लाइफ उन्होंने लीड की। फाइनली एट द एज ऑफ 35 और 30 एज पर उन्हें एनलाइटमेंट मिल गया। कहाँ पर मिला? एक जगह है बिहार में, जो गया में वो गई थी ना, उसी जगह गया है, जगह है बोध गया, ठीक है, बिहार में बोध गया। वहाँ पर इनको क्या मिला? एनलाइटमेंट मिल गया। और फ्रॉम देन ऑनवर्ड सी बिगिन टू बी कॉल्ड एज बुद्धा। और उन्हें वहाँ पर क्या कहा जाने लगा? बुद्धा। बुद्धा को कहा जाने लगा क्योंकि बोध, इस बोध से नाम आया बुद्धा, क्योंकि बोध गया में इनको ज्ञान मिला, तो बोध से नया नाम मिल गया बुद्धा। यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हो द एनलाइटेड वन, एनलाइटेंड वन। इसका मतलब पता है? एक ऐसा इंसान जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। बुद्धा मतलब ऐसा इंसान जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनलाइटेड वन। ये याद रखना है आपको, इस ये है ना समरी की। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म धर्म चक्र परिवर्तन, ये क्या चीज़ है? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब चीज़ है। एर्था प्लेस वेयर बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, अ टेम्पल नोन एज महाबोधि टेम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टेड लेटर। तो जहाँ पर इनको एनलाइटमेंट मिला वहाँ पर टेम्पल बनाया गया, महाबोधि टेम्पल, ठीक है। द पीपल ट्री इज नाउ रेफर टू एज महाबोधि ट्री। और जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहे थे, उस ट्री को क्या नाम बोला जाने लगा? महाबोधि ट्री बोला जाने लगा। बुद्धा वॉज ऑल्सो कॉल्ड तथ घट है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ ट्रूथ, जिसने सच को ढूंढ लिया हो, जिसने सच को ढूंढ लिया हो उसको क्या बोले? तथागत, तथागत, वहाँ तथागत ही बोलेंगे, ठीक है। आफ्टर एनलाइटमेंट ही एम्बार्क्ड ऑन टीचिंग हिज रिलीजन। उन्होंने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने कि वो अपने रिलीजन के बारे में लोगों को पढ़ाएं, सिखाएं। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? एक डियर पार्क में, एट द डियर पार्क इन दिस सारनाथ नियर वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में सारनाथ जगह है, वहाँ पर डियर पार्क में इन्होंने बैठ कर फर्स्ट सर्मन अपना दिया था। इन द प्रेजेंस ऑफ 5 एसेटिक्स, उनके केवल पाँच पाँच साधुओं के सामने, इन द प्रेजेंस ऑफ 5 एसेटिक्स, पाँच साधुओं के सामने, ठीक है। दिस इवेंट इज इन द हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। किसको? ये उनका पांच लोगों के सामने उपदेश देना, इसको बोला था धर्म चक्र परिवर्तन। 3 पार्ट में डिवाइड करो इसको, अगर आपको प्रोनाउंस नहीं कर पा तो धर्म धर्म चक्र परिवर्तन है ना। और सर ये तो हिंदी का बड़ा, इंग्लिश में नहीं कुछ बोलते हैं? हाँ बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ सेक्रेड लॉ, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द सेक्रेड लॉ। बुद्धा सेम स्प्रेड फार एंड वाइड, उनकी प्रसिद्धि फैलती गई, नहीं वो और ज़्यादा फेमस होते गए, फेमस होते गए। फॉर अनदर 40 ईयर्स ही ट्रेवल ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेडिंग हिज मैसेज। और नेक्स्ट 40 साल तक वो क्या करते रहे? पूरे कंट्री नॉलेज अपनी स्प्रेड करते रहे। ही स्टेब्लिश अ बौद्ध संघ एट मगध, मगध में उन्होंने एक बौद्ध संघ बनाया, जो कहते हैं एक बुद्धिस्ट एक ऑर्डर था, ठीक है, एक ऑर्डर उन्होंने निकाला था बौद्ध संघ। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्लूडिंग द रूलर्स ऑफ मगध, कोसला, कौसाम्बी, काफी उनके फॉलोअर्स थे, ये रूलर्स भी उनके वो थे फॉलोअर्स है ना, फ्रॉम ऑल क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी हर क्लास से, हर क्लास से कोई पक्षपात नहीं था। गौतम बुद्ध ने हिज लास्ट ईयर से वेंट टू कुशीनगर, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी, तो अपने लास्ट टाइम पे कहाँ पे थे? कुशीनगर थे, विसे नियर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी में ही गोरखपुर के पास जो है। ही ऑप्टेंड महा महा परिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब पता ही था, मोक्ष महापरिनिर्वाण, इनके निर्वाण को बोलेगा महापरिनिर्वाण। इनकी वहाँ पे डेथ हो गई, इनकी वहाँ पे क्या हो गई? डेथ हो गई एट द एज ऑफ 80, 80 एट द एज ऑफ 80। याद रखने कहाँ पर हुई थी?
ठीक है, ये डिसेबल्स टू किस सेक्रेड रिमेन्स, सेक्रेड रिमेन्स टू एट डिफरेंट प्लेसेस वेयर ही वाज माउंट्स कॉल्ड स्तूप्स वर इलेक्टेड। ठीक है, अब इनके जो डिसिपल्स थे, डिसिपल्स मतलब स्टूडेंट, इनके डिसिपल्स थे, उनके जो बॉडी के जो पार्ट्स थे ना, उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स थे, उनके बॉडी के जो पार्ट्स थे मतलब सेक्रेड रिमेन्स, जो उनके पवित्र जो चीज़ें बसी थी, उनकी पवित्र, उनके बॉडी के पार्ट्स नहीं बोलूंगा, डिसिपल्स बोलूंगा, उनके पवित्र चीज़ें थी, जो बॉडी पार्ट्स में पवित्र चीज़ें थी, उन डिसिपल्स हैं, उनको उनके सेक्रेड रिमेन्स थे, पवित्र चीज़ें थी जो बची हुई उनकी, उन्होंने उनको 8 अलग अलग जगहों पर स्थापित कर दिया। ठीक है, वहाँ पर ले गए। ठीक है, और जहाँ पर उन्होंने क्या किया, वेयर ह्यूज माउंट्स कॉल्ड स्तूप्स वर इलेक्टेड, और वहाँ पर क्या बना दिया, स्तूप बना दिए, वहाँ पर क्या बना दिए कि उनके ऊपर स्तूप बना दिए गए। एक और टॉपिक आ रही है, इम्पोर्टेंट है सर, आप तो यहाँ पे सब कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे हो, महावीर जी में तो आपने इम्पोर्टेंट बताया नहीं था। नहीं, इम्पोर्टेंट ऐसा कोई, इम्पोर्टेंट का मतलब नहीं कि पेपर में बहुत कुछ रहेगा, इम्पोर्टेंट का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं महावीर वालों में, महावीर वाले टॉपिक तो वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, वहाँ पर क्या बनेंगे, नोबल ट्रूथ बन जाएगा, चार सच बन जाएंगे जो उनको बोझते हैं वो बन जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से आपके फोर्स ग्रेट साइट भी पूछ लेगा, धर्म चक्र परिवर्तन भी बोल देगा, महानिर्वाण पूछ लेगा, इनकी लर्निंग्स पूछ लेगा, इनके भी एट फोल्ड पाथ आएंगे वो भी पूछ लेगा, फिर 9 नोबल ट्रूथ भी आएंगे वो भी पूछ लेगा, यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो मैं यहाँ पे पढ़ जो बोलूँ वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये 4 नोबल ट्रूथ यहाँ पर आ गया ना, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, बुद्धा फॉलोड अ सिंपल पाथ एंड इंस्पायर पीपल टू लीड अ सिंपल लाइफ। गौतम बुद्ध ने एक सिंपल लाइफ एंजॉय की थी, अब वो लोगों को भी इंस्पायर करते थे कि वो सिंपल लाइफ लीड करें। हिज टीचिंग्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज, उनकी जो क्या है ये तो टीचिंग, अच्छा उनकी टीचिंग है, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, यानी बता रहे कि उनकी टीचिंग जो हम बता रहे हैं आपको, हमने कहाँ से ली है, तो हमने वो स्टोरीज पढ़ पढ़ के ली हैं। फाउंड मीनिंग्स का पिटाका, एक सप्ताह पिटाका नाम की एक बुक आती है, एक स्टोरी बुक आती है, हमने बेसिकली वहाँ से हमने इनकी क्या ली है, स्टोरीज ली हैं। ठीक है, हिज मैसेज टू पीपल वॉज देयर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, उनका जो मैसेज था बेसिकली, उनका जो मैसेज था बेसिकली वो क्या था, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ये वर्ल्ड है ना बहुत सारी परेशानी से भरा हुआ है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, एंड अ मैन कुड अटेंड सालवेशन ऑफ फॉलोइंग हिज टीचिंग, और अगर आपको उन परेशानियों से मुक्ति पानी है, अगर आपको उन परेशानियों से मुक्ति पानी है तो आप कैसे पाओगे, बाय फॉलोइंग टीचिंग, अगर आप अपनी टीचिंग को फॉलो करते हो तो अपन परेशानी से मुक्ति पा लोगे। अब वो उनकी जो टीचिंग्स वो कहाँ पर लिखी हुई हैं, वो लिखी हुई हैं, एक तो एट फोल्ड पाथ करके कुछ चीज़ है और एक 4 नोबल ट्रूथ है, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन फॉलो करने का मतलब ये नहीं, अगर आप बोलते हो ना कि सर आपके दोस्त वगैरह हैं तो मैं आपको चलो उसका आंसर दे देता हूँ, मैं आपने बोला कि आपके दोस्त वगैरह हैं, पर उतना मतलब जितना रिजल्ट इसमें बताया गया, रिजल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, इतना मतलब सिस्टमेटिक जो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रूल्स हैं, इतने पंक्चुअल रूल्स हैं, मतलब है ना, अगर आप उनको फॉलो करें तभी आपको जैन कहा जाएगा, अगर आप अदरवाइज आपको जैन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था कि जैन को रिलीजन बेसिकली है नहीं, जैन तो वो है जो महावीर जी को फॉलो करने लगे, वो जैनिज्म कहला गए। ठीक है, तो मैं बेटा आपको एक बता दूँ, कहने के लिए तो हम भी अपने आप को हिंदू बोलते हैं, कहने के लिए तो हम भी अपने आप को भाई बहन कुछ ही बोलते हैं ना, कोई भी रिलेशन का नाम दे सकते हैं, क्या रियल है बोलने से, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करने लगता है क्या, आपने देखा होगा तो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, तो भाइयों में लड़ाई क्यों हो रही है, वो तो भाई है ना, भाई नाम के हैं लेकिन जो अंदर से जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो भाइयों वाली नहीं है,
तो केवल अपने आप को ऊपर से बोल देने से कि हाँ मैं ये हूँ, आप वो नहीं हो जाते हो। अगर आप कह रहे हो कि आपके दोस्त जैन हैं पर वो जैनिज्म वाले काम नहीं करते, तो पहली बात तो ये, अरे अपने दोस्त को तो आप कंपेयर ही गलत कर रहे हो। आई थिंक आपने वहाँ पे 4 आश्रम नहीं पढ़े हैं, 4 आश्रम नहीं पढ़े, मुझे ध्यान नहीं कि आ गया कि नहीं आ गया। 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। तो संन्यास, अगर आप ये बात करो संन्यास जीवन अगर आपके दोस्त नहीं कर रहे हैं, वो संन्यास नहीं ले, तो संन्यास सबसे लास्ट स्टेज होती है, संन्यास सबसे लास्ट स्टेज होती है। अभी तो उनका जो भाई वो जिस आश्रम में है, वो भी उनका कौन सा आश्रम चल रहा है, फर्स्ट स्टेज वाला, 1 से 24 साल तक केज वाला, जहाँ पे इंसान पढ़ता है, जहाँ पे इंसान क्या करता है, पढ़ता है। अभी इनका वो वाला स्टेज चल रहा है, तब उस पेज का कंपेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे सर, नहीं मैं तो उनके पेरेंट्स की बात करूँ, उनके ग्रैंड फादर ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूँ, तो वो भी ऐसे संन्यास वगैरह नहीं कर रहे हैं। हाँ तो हर कोई फॉलो नहीं करता, करना चाहिए पर हर कोई फॉलो नहीं करता। आज के टाइम पर क्या हो गया है, हम रीजन को फॉलो ना ऐसे नहीं करते, रीजन में जो लिखा हुआ है। आज के टाइम पर इंसान ऐसा हो गया, उसने रीजन को कस्टमाइज कर दिया है, यानी वो रीजन की वो बातें नहीं मानता जिसमें लिखनी है, वो वाली बातें मानता है जो उसके फेवरेबल रहती हैं, सारी बातें नहीं मानते इंसान, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ है हर कोई फॉलो नहीं करता, हिंदू रिलीजन में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर हम भी फॉलो क्या करते हैं, तो क्या हम अपने आप हिंदू नहीं कहते हैं क्या? वरना सबसे बड़ा रीजन जो है वो इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, पर क्या हम रियल में ह्यूमैनिटी रिलीजन जो है क्या हम वो निभाते हैं? भारत में परेशान दिखता है कि हम उनकी हेल्प करते हैं, नहीं करते ना, हर किसी की नहीं करते, खुशों की करते हैं, पर फिर भी हम आपको आपको बोलते हैं। तो रियलिटी में हमें अपने आप को नहीं बोलना चाहिए कि हम ये हैं हम वो हैं, हाँ बड़ा ऊपर से बोलते हैं। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, मैं किसी आपके फ्रेंड को ये नहीं कह सकता कि वो जैन है नहीं, बट एक फैक्ट जो है वो यही है कि लोगों को मतलब जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, अगर हम वो इनफैक्ट माने तो ऐसे बहुत कम ही लोग रह जाएंगे फिर, है ना। हर कोई इतना स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं नहीं आज के टाइम पर, लोग कस्टमाइज बेसिस हैं, वो पूजा भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो चलो आपको आपका आंसर भी मिल गया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4 नोबल पाथ, इन्होंने कहा 4 रास्ते हैं, अगर अपन 4 रास्तों पर चलते हो तो आप और 4 रास्ते भी मिलूंगा, 4 सच्चे उन्होंने बताया कि 4 सच्चे हैं, अगर मैं चारों सच्चों को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने का तो मैं एक्सेप्ट करने के है ना, अगर आपने 4 को मतलब क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके प्रॉब्लम्स अभी रुक जाएंगे, अभी इमीडिएटली। अगर आपने अभी भी उन 4 सच को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके प्रॉब्लम्स अभी भी रुक जाएंगे। चलो मैं आपको 10 मिनट इसी को देता हूँ, मैं इसके आगे कुछ पढ़ाऊंगा भी नहीं, एक बार इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सोच रहा, इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, मैं बस एक्सेप्ट करूंगा, आपको इम्प्लीमेंट कराने में भी आपकी एज शायद ऐसी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट अगर आप करते हो तो, लेकिन आपको एक्सेप्ट करा दूंगा कि हाँ अगर मैं 4 बातें अगर एक्सेप्ट कर लें बाद में, अगर मैं एक्सेप्ट मैं आपको करा दूंगा, फिल करा दूंगा आपको, लेकिन आपको आपको इतना समझा दूंगा कि अगर मैं इम्प्लीमेंट करनी है 4 बातें अपने आप में, तो हम कभी परेशान नहीं रहेंगे, ये मैं आपको भी एक्सेप्ट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला सच तो ये बोलते हैं कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुनिया में परेशानियां हैं, पूरी दुनिया परेशानी से भरी हुई है। अगर आपको लगता है कि श्री मुकेश अंबानी बहुत खुश हैं इस बहुत सारे पैसे में से पर, तो उनके पास ही प्रॉब्लम्स हैं, उनको और आगे बढ़ने की टेंशन है, उनको और पैसे वाला बनने की टेंशन है। अगर आपको लगता है श्री नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के सर्वोच्च पोजीशन पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उनको टेंशन ही नहीं है, तो उनको भी टेंशन है आगे की जो रिमेनिंग जो लाइफ रह गई है, क्या वो उसी सुप्रीम पोजीशन पर रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, उनको अपनी ड्यूटीज की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, इन चीज़ों की भी चिंता है। गरीब इंसान की है दिखती है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो रिच होते हैं, उनकी भी होती है, बस थोड़ी अलग होती है। तो परेशानी हर जगह पर है। पहली बात तो आप ये सच मान लो, ये मत सोचो कि वो बहुत कितना खुश है, हम कितने दुखी हैं, नहीं ये कंपेरिजन मत करो, सामने वाला भी परेशान है। हाँ आपको आपकी परेशानी दिखाई दे रही है, आपको सामने वाले की परेशानी नहीं दिखाई दे रही, रह के देखो उसका थोड़ा टाइम, आप उसका थोड़ा टाइम रहोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पास ही बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ बस आपकी आपको पता है, आपको उसकी नहीं पता, तो ऐसे कंपैरिजन मत करो किसी से, कि जब आप कंपैरिजन करते हो ना कि ये कितना खुश है मैं कितना परेशान हूँ, तो
तो अभी एक हमें परेशानी होती है, जेलसी। ये भी एक परेशानी तो ही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा, मैं समर वेकेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा दोस्त तो नहीं पढ़ रहा, तो नानी के तो घूमने के, तो आपको बुरा लगता है ना। तो बुरा किस वजह से लगा? नहीं, क्योंकि आपने सच को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको लगा उसकी तो बहुत मौज है, उसकी तो बहुत मौज हो गई, मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाई दे रही कि हाँ मैंने छुट्टी सेक्रीफाइस कर दी, और आपको लग रहा है कि वो तो मौज कर रहे हैं, नानी के यहाँ पे घूम रहे हैं। अरे वो मौज नहीं करा, उसका तो सेक्रीफाइस देखो आपसे बड़ा है। आपने केवल छुट्टी सेक्रीफाइस की है, उसके बाद पढ़ाई जो लाइफ में थी काम में इतनी आगे, आपके उसके काम में आएगी, उसको आगे लेकर जाएगी, उसने बहुत सी सेक्रीफाइस कर दी। हाँ अब उसके इसमें ना तो आपको परेशानी दिखाई दे रही, उस इंसान को खुद दिखाई दे रही, तो बुरा तो उसके साथ ही हो रहा है। हाँ अब आपको सफर तो उस टाइम पे करेगा, सफर उस टाइम पे नहीं, लेकिन सफर बाद में करेगा, पर प्रॉब्लम तो है ना, उसको नहीं पता चल रही, आपको भी नहीं पता चल रही, पर ये है। तो आप पहले से ये मान चलो कि परेशानी हर किसी की लाइफ में है, हर किसी की। अगर आपने सच से एक्सेप्ट कर लिया है तो आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि परेशानी है तो परेशानी बेवजह नहीं होती, परेशानी के पीछे एक रीज़न होता है, कोई भी परेशानी है उसके पीछे एक रीज़न होता है। अगर आपका पेट भी खराब है ना, तो उसकी वजह यह है कि आपकी आदत खराब है। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो समझे कि आपकी आदत खराब है, आप अपने आप को निटर क्लीन नहीं रखते हो, आप बाहर का खाना खाते हो जबकि बाहर का खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ये पता है आपको कि बाहर कितना गंदा खाना बनता है, कितने गंदे मसाले डलते हैं, है ना, तब भी आप अगर वो खा रहे हो तो आपकी गलती है ना। तो आप अगर बीमार हो रहे हो, मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल सा बीमारी, ठीक है, तो बीमारी के पीछे भी रीज़न है। बीमारी के पीछे क्या एक रीज़न है, बीमारी के पीछे क्या एक रीज़न है, जैसे कि अगर पेट दर्द की बात है तो आपने बाहर खाना खाया, इसका रीज़न है, ठीक है, बाहर खाना खाया, लेकिन जो बाहर खाना खाया, जो आप बाहर खाना खा रहे हो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी क्या है, इच्छा है। बाहर जो आपने खाना खाया, बाहर आपने क्यों खाया, अपनी इच्छा से। यानी कि अभी तीन स्टेप पे ही रुको, यानी कि आपकी इच्छा हुई तब आपने बाहर खाना खाया, और जब आपने बाहर खाना खाया तब आपके पेट में दर्द हुआ, जब आपके पेट में दर्द हुआ तब जाकर आपको प्रॉब्लम हुई। यानी कि आपको प्रॉब्लम किसी बाहर वाले की वजह से हुई या फिर अपनी इच्छा की वजह से हुई, समझ पा रहे हो? तो समझ रहे, नहीं समझ पा रहे, दो तीन अक्षर को बैक करके देखो, बहुत बड़ी बात है ये, शायद आप क्लास में क्लास से ना पढ़ाया जाए, ठीक है। अगर आपके पास इच्छा होती ही नहीं तो आप इन चीज पे आते ही नहीं, ना भात खाते, ना आपके बड़े दर्द होता, ना आप परेशान होते, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपको परेशान नहीं होना, तो परेशान होने का सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इस डिजायर को रोक दो, आप इस इच्छा को खत्म कर दो। अगर आपको परेशान नहीं होना, बेसिकली परेशानी की जड़ क्या थी, आपकी इच्छा ना, परेशानी की जड़ क्या थी, आपकी इच्छा, केवल उस इच्छा को रोक दो, उस इच्छा को रोक दो क्या, तब बाहर खाओगे नहीं, बाहर खाओगे नहीं तो आपकी पेट में दर्द होगा नहीं, पेट में दर्द होगा नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हो गया सॉल्यूशन। तो देखा है, अगर ये डिजायर आपकी रोक दी जाए, अगर ये डिजायर आपकी रोक दी जाए तो आपकी सफरिंग्स भी बंद हो जाएंगी, आपकी सफरिंग्स भी बंद हो जाएंगी। क्या समझ पाए कि इंसान परेशान, इसको मैं शॉर्ट बोलूं तो इंसान परेशान नहीं होता क्योंकि वजह से नहीं होता, अपनी वजह से होता है। इंसान परेशान दूसरों की वजह से नहीं होता है, अपनी वजह से होता है। मैं आपको कोई और भी एग्जांपल लेके बता दूं, अगर मैं कोई एग्जांपल लेके बता दूं चार स्टेप्स में लगाऊं, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। कोई एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो एक आप ना अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हो, आपका एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा, सपोज करते हैं आपके दोस्त का नाम है रौनक है, रौनक आपका बहुत 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 अच्छा दोस्त है ना, आप तो उसको बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, ठीक है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। और अब आप उसे एक्सपेक्ट करते हो, आप उसे उम्मीद करते हो, उसने आपसे ऐसा बोला नहीं है, बस आप अपने मन ही मन में ऐसा उम्मीद करते हो कि ये मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ, क्योंकि मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ, यानी आप उसका अच्छा दोस्त हो तो वो भी आपके लिए अच्छा दोस्त हो, आप उसे ना बेस्ट फ्रेंड समझते हो, वो भी आपको बेस्ट फ्रेंड ही समझे, अगर आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हो तो वो भी आपके लिए सब कुछ करे, आपने एक्सपेक्टेशन आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, तो पता है इससे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन से किसी दिन क्या होगा, तो यानी क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, जगह पे एक डिजायर बनी, एक डिजायर बनी, एक डिजायर बनी, क्या डिजायर बनी कि
कि अगर मैं इसके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो इसे भी मेरे इतना करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, एक दिन क्या आएगा कि कुछ इवेंट ऐसा होगा, कुछ इवेंट ऐसा होगा जब एक जब मौका मिलेगा कि उसको बिजनेस करनी चाहिए, पर वो नहीं करेगा। जब वो नहीं करेगा, आपको लगा कि आपने उसके लिए मतलब बहुत क्लासेस, आपने उसको मतलब उसको नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी है, ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई की टाइमिंग कम की, आपने उसको घर पर बैठ कर खुद पढ़ाया, अपनी क्लास अपनी पढ़ाई का टाइम छोड़ कर आपने उसको खुद पढ़ाया, वो क्लास में एब्सेंस था, आप उसके नोट्स प्रिपेयर करवाए, आप एक दिन आप स्कूल नहीं गए, एक दिन आप स्कूल नहीं गए, आपने बोला कि मेरे को नोट्स प्रिपेयर करा दे रौनक, है ना, रौनक का टाइम आया कि रौनक आपको रिटर्न में कुछ करके दे, आपकी उम्मीद तो थी कि ये करके दे देगा, आपकी उम्मीद तो पहले जग गई थी, ठीक है, और रौनक ने किया कि आपको नहीं बताया, रौनक ने आपको टाइम निकाल कर नहीं नोट्स बनवाए आपके, आपको बुरा वो लगा, आपको बुरा लगा नहीं लगा, आपको बुरा लगा नहीं लगेगा, लगेगा क्यों लगा ये बुरा, रौनक के बिहेवियर की वजह से या आपने उसके बिहेवियर से एक्सपेक्ट किया था ऐसा, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ था, रौनक ने कभी आपसे प्रॉमिस नहीं किया था कि हाँ वो आपको बताएगा, वो तो आपने उम्मीद कर ली थी अपने अपनी मनी मन में कि हाँ ये तो मेरे लिए हमेशा ही फेथफुल रहेगा, ये तो मेरे लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो किसी और की वजह से नहीं, आपकी ही वजह से हुई, और अगर आप बोलो ना कि सर अगर मेरे से प्रॉमिस कर देता और बाद में प्रॉमिस तोड़ देता तो उसकी गलती होती, बिल्कुल नहीं, वो प्रॉमिस तोड़ देता तो प्रॉमिस तो बहुत से लोग तोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब क्या कि हर किसी पर भरोसा कर लोगे, कि हर किसी पर रिलाई कर लोगे, हर किसी से प्रॉमिस लेते फिरोगे, नहीं, तो इसका मतलब अगर कोई आपका भरोसा तोड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, गलती आप ही की है कि वो रिलाई कर रहे हो, आप हर किसी पर रिलाई नहीं कर सकते, अगर आप भरोसा ही नहीं करो, आपको पता है कि भरोसा तोड़ देगा, आपको पता है, आपको पता है किसी इंसान ने प्रॉमिस तोड़ देगा, और फिर वो बाद में प्रॉमिस तोड़ देगा, आपको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन आप भरोसा कर लो नहीं ये प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा, ये प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा, और बाद में प्रॉमिस तोड़ दे तो आपको बुरा लगेगा, यानी कि दोनों केस में सामने प्रॉमिस तोड़ रहा है, क्या आपको दोनों केस में बुरा लग रहा है, नहीं, आपको एक ही केस में बुरा लग रहा है, उस केस में जब आप उसे भरोसा कर रहे हो तो आपको समझे ना, बुरा जो फील होता है या जो प्रॉब्लम जो होती है वो किसी बाहर की वजह से नहीं, किसी दूसरे की वजह से नहीं होती, वो हमें खुद की वजह से होती है, इसे समझ जाना, अगर आप समझ सकते हो तो बहुत गहरी बात है ये जो उन्होंने बोल दी थी 4 सेंटेंसेस के अंदर, कि हमारे जो प्रॉब्लम होती है इसका एसेंस होता है, तो एसेंस ये है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे डिजायर से प्रोड्यूस होती हैं, डिजायर से हमारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, अगर आपने डिजायर को रोक लिया, आपने इसी को बोलते हैं आज की लैंग्वेज में घुमा घुमा कर बोलते हैं कि अगर आप अपने मन पे काबू पा लिया, सब पे काबू पा लिया, मन मतलब क्या, मन एक वो जगह जहाँ पर से डिजायर प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर इच्छाएं मिलती हैं, तो वही वाली बात है, लोग अलग अलग तरीके से एक ही बात को कहते हैं, लोग कहते हैं आपने सुना होगा अपने माइंड पे कंट्रोल कर लो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, अरे तो माइंड बता दे वो ऐसी जगह ना जहाँ पे आपका डिजायर्स प्रोड्यूस होती हैं, तो अपने डिजायर को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, ब्रेन को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो, तो ये आपकी बातें बिल्कुल सच हैं। ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं, होमवर्क में एक और देख लूँ कुछ है तो। एक तो 9th वाला, 10th वाला, 11th वाला, 12th वाला, ठीक है।